तो अभी ये बाबा के आ गए यहाँ पे और यहाँ से डॉग देख के परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। बड़ी परिक्रमा यहाँ से चालू होती है, ये 11 किलोमीटर की है, उसके आगे बाद में छोटी परिक्रमा स्टार्ट होगी। हमारी बड़ी परिक्रमा खत्म हो चुकी है, अब छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से छोटा सा गेट है, इधर से काट दें बाइक का। तभी हम राधा कुंड के पास में पहुँच चुके हैं और ये राधा कुंड है यहाँ पे। दोस्त अभी कुंड में बैठे हैं, राधा कुंड में हम हाथ पर मुंह धो रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय दूसरा व्लॉग। हम वृंदावन से गोवर्धन जी को जा रहे हैं, चलते हैं दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करेंगे दोस्तों। अभी मैं बाइक पे चल रहा हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया गोवर्धन जी महाराज जी, और बाबा के दर्शन करते हैं। आज परिक्रमा लगाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला, क्यों आज हम बाइक से परिक्रमा लगाएंगे हमारे से। दोस्तों 21 किलोमीटर की दूर की परिक्रमा है, तो हम बाइक से परिक्रमा लगाएंगे। अभी गोवर्धन जी पहुँचने वाले हैं, राधा कुंड 1 किलोमीटर रह गया, गोवर्धन जी 5 किलोमीटर रह गया। अभी पहुंच चुके हैं गोवर्धन जी महाराज जी के मंदिर के पास में, और वहां पे जाके हम पहले बैग रखेंगे, उसके बाद में परिक्रमा स्टार्ट करेंगे बाबा की। तो थोड़ी सी दूर रह गए यहां से, तो दोस्तों हमें बाइक से परिक्रमा लगाएंगे, क्योंकि वैसे 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो हमारे से शाम तक पूरी नहीं हो पाएगी 21 किलोमीटर की परिक्रमा, इसलिए हम बाइक से लगाएंगे परिक्रमा। तो अभी हम मंदिर के पास में आ चुके हैं दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है यहाँ पर, और यहाँ से मंदिर की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन महाराज जी के, और अभी मैं तो पी रहा हूँ कोका कोला, और मौसम पी रही है लस्सी, इसकी लस्सी बन के आ रही है, नहीं लस्सी पिएगी। दोस्तों अभी ये बाबा के आ गए यहाँ पे, और यहाँ से डॉग देके परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से डॉग देते हैं भाई, मंडरा भाई। छोटी परिक्रमा यहाँ से चालू होती है, ये 11 किलोमीटर की है, उसके आगे बाद में छोटी परिक्रमा स्टार्ट होगी। तो हमने बड़ी परिक्रमा स्टार्ट कर दी है यहाँ से। ज़्यादातर लोग ऑटो रिक्शा वालों से परिक्रमा लगवाते हैं, इनके से बुक करके और फिर परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो हमने सोचा हमारी बाइक है हमारे पास में, तो हमने परिक्रमा हमारी बाइक से स्टार्ट कर रहे हैं। बात वही है, चाहे ऑटो रिक्शा वाले चल जाओ, चाहे खुद की बाइक से चल जाओ, परिक्रमा तो पूरी लगेगी हमारी। पैदल देनी हो तो तब तो फिर तो बाइक की ज़रूरत नहीं थी, तो हम तो अब तो बाइक से दे रहे हैं। इससे पहले भी आ गया था दोस्तों, मैं तो बाइक से दी थी मैंने परिक्रमा, तो वो छोटी परिक्रमा लग गई थी, मेरे को पता नहीं था बड़ी परिक्रमा इधर से लगती है। तो अब की बार मैंने पूरी ध्यान से देख के और फिर ये बड़ी परिक्रमा दे रहा हूँ, पिछली बार मैं जानता नहीं था, तो अब की बार मैंने पूछा किसी से, तो वो बताया इधर से लगेगी बड़ी परिक्रमा। इस तरफ तो पूरा जंगल सा है, और एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही इधर, तभी हम पूरी पहाड़ी की परिक्रमा लगाएंगे। तभी हम पहाड़ी के पास जा रहे हैं, और अभी हम 4 किलोमीटर पहुँचने वाले हैं। जैसे कोई भी जा रहा है परिक्रमा दे रहा है, वो सिर्फ कोई ऑटो रिक्शा करके ला रहा है, या फिर कोई बाइक से तो पता नहीं दे रहा है, इधर हम ही दे रहे हैं बाइक से, तो बाकी लोग कोई पैदल कोई भी नहीं दिख रहा हमारे को। और दोस्तों हर 100 मीटर पे बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, जैसे अब 4 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुकी है, फिर यह 4.1 किमी आगे वो बोर्ड लग रहा, हर 100 मीटर पर बोर्ड लग रहा है इनका। दोस्तों हमें पूछ सके हैं पूछ रिके लोटा के पास में, दोस्तों बहुत खुशी हो रही है आज, तो मेरे को मज़ा आ गया दोस्तों परिक्रमा देखिए भी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, हर घर रास्ते में मंदिर मंदिर आ रहे हैं, और हम सब जगह जाके आ रहे हैं। आज तो राम जी भी हमारे ऊपर मेहरबान हो रहा है, क्योंकि बीच बादल छा रहे हैं, धूप नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो हमारी बड़ी परिक्रमा खत्म हो चुकी है, अब छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। छोटा सा गेट है, इधर से काट दें बाइक का। छोटी परिक्रमा 1 किलोमीटर की कंप्लीट कर ली हमने, इधर से क्या भीड़ भाड़ आ रही है दोस्तों छोटी परिक्रमा में, बड़ी परिक्रमा में तो खुला खुला था, इधर ज़्यादा सकड़ी गली रह गई। अभी राधा कुंड आने वाला है, और यहाँ से राधा कुंड में दर्शन करेंगे और वहाँ पे हाथ पग धोएंगे। तो दोस्तों मैं पिछली बार आया था, तब यहाँ पे मैं बाइक से ही दे रहा था परिक्रमा, मेरा गोप्रो मैं साइड में रखी और हाथ पग मुँह धो रहा था कुंड में, तो एक आंटी ने मेरा इस गोप्रो को तोड़ दिया था, गोप्रो के माइक को तोड़ दिया था, तो उस टाइम बहुत मोटा खर्चा हुआ था। तो अब मैं सतर्क रहूँगा, अब मेरे हाथ में रखूँगा गोप्रो को मैं। तो अभी हम राधा कुंड के पास में पहुँच चुके हैं, और ये राधा कुंड है यहाँ पे। तो अभी कुंड में बैठे हैं, राधा कुंड में हम हाथ पर मुंह धो रहे हैं। अभी कुसुम सरोवर के पास में आ चुके हैं, अभी हम पहुँच चुके हैं कुसुम सरोवर के पास में। तो ये है कुसुम सरोवर,
तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई। अब 10 मिनट लगेंगे दोस्तों जाने में। हमारी अंतिम परिक्रमा 1 किलोमीटर रह गई। मानसी गंगा के दर्शन करेंगे दोस्तों। मानसी गंगा क्या है दोस्तों, तो हमारी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। तभी मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। अब आ चुके हैं हम गिरिराजी महाराज जी के मंदिर में और यहाँ से प्रवेश लेते हैं और दर्शन करते हैं। अब प्रसाद भी ले लिया हमने और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है अभी। दर्शन करके अभी बाहर जा रहे हैं इधर से। अभी दर्शन करके अब चल दिए हैं बाबा कैसे, और अभी चलते हैं जल्दी से फटाफट क्योंकि अभी हाईवे बम्बई दिल्ली वाले हाईवे पे काफ़ी अभियान आ चुके हैं क्योंकि उनके मामा के साथ आ रहे थे वो। तो अभी वो हमारे को इस आगे कट मिलेंगे मैं एक बड़ौदा। तो अभी पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं बस जल्दी आओ। तो हम चलते हैं यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया, 40 नहीं यहाँ से 50-55 किलोमीटर है दोस्तों, तो घंटा भर लग जाएगा जाने में और वो घंटा भर वो बैठे रहेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली बम्बई हाईवे पे। अब यहाँ पे काव्या इसी लाइन पे और विहान काव्या इसी लाइन पे हैं, अब इनको लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों बाइक अलाउ नहीं इस सड़क पे, तो हमारे को यहीं रोकनी पड़ेगी बाइक को। और वो खड़े देखो आगे एक गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे खड़े हैं कैसे सनरूफ के मजे ले रहे हैं दोनों बहन भाई। अरे चले घर, अब अभी काव्या जा रही है और बयान हमारे साथ आ रहा है। आजा बयान आजा, मैं बाय कर दो सभी को, बुलाब जाओ बयान को बैठा लिया बाइक पे और चलते हैं घर की तरफ। यहाँ से हमारे घर 70 किलोमीटर है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा घर जाने में। दोस्तों अभी आ गए हम कुशालगढ़ और कुशालगढ़ यहाँ पे खाएंगे कचौरी, अभी नाश्ता करेंगे अभी शाम का। चलो हाथ पग मुँह धो लिया अब सभी ने। अभी हमारी लच्ची आ चुकी है, दो लस्सी के गिलास, कचौरी आ रही है अभी, ये लस्सी भी फिर बाद में दुआऊँगा चॉकलेट, ठीक है। अच्छी है बयान, अच्छी है। आप लेगा चॉकलेट, चॉकलेट लेगा फिर आप भी लेगा चॉकलेट। अभी कचौरी भी आ चुकी है और लस्सी भी पी रहे हैं हम। बयान कचौरी डोल जाएगी बेटा, बयान के मुंह से देखो कैसे हो गए, लस्सी मज़ा आया है ना, अच्छी है। मस्त खाना खा लिया हमें, कचौरी खा ली और लस्सी पी ली। अभी शाम के 7:30 यहीं बज चुके हैं और अभी हम घर जा रहे हैं। खाना दाना तो हो गया, हम घर खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो चला असरी है। दोस्तों अभी घर पहुंच चुके हम और कई दिनों बाद में आए घर पे। अभी मौसम लॉक खोल रही है मकान का, आज लॉक खोल दिया। ये हमारे कमरे में आ गए अभी, ओह यहाँ तो गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया था ही कूलर ही चाहिए, ऐसे पंखे सारने पड़े। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, ये गोर्धन से चल रहा है ब्लॉग और बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। या हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय।